हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। कंपटीशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। आशा करते हूं कि आपकी तैयारी सीजी व्यापम की, जो एग्जाम्स आने वाले हैं, चाहे हॉस्टल वार्डन हो या सीजी टेट हो या प्री बीएड का भी एग्जाम दे रहे हो, वो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और उसी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारा एक प्रयास है कि हम आपके लिए एक मैथ्स की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपके पिछले वर्ष में जितने भी व्यापम के आए हुए प्रश्न हैं उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है साधारण ब्याज के बाद का जो टॉपिक है वह है कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। तो कल हमने देखा था साधारण ब्याज के बारे में, आज हम देखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के एक बेसिक फॉर्मूले को। जैसे मैंने बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज का जब भी प्रश्न आपके पास आएगा तो आप चक्रवृद्धि ब्याज को डायरेक्ट ना निकालकर सबसे पहले काम क्या करेंगे कि आप निकाल लीजिएगा मिश्रधन। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, मिश्रधन निकाल लीजिएगा। क्लियर है? तो मिश्रधन ए बराबर आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पी प्लस वन आर हंड्रेड पावर एन, जहां पी मूलधन है, आर रेट है और ए जो है मिश्रधन शो कर रहा है। जब आप मिश्रधन निकाल लेंगे तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा। क्लियर है? तो आप निकालिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, इसे आपको याद रखना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा हमारे पास a माइनस पी, जहां पर a का मान आपको पता है, p वन प्लस आर बाई हंड्रेड एन माइनस पी। यदि p को आप कॉमन निकाल लें तो अंदर बचेगा आपके पास एन माइनस वन। क्लियर? तो ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। डन, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन का फॉर्मूला, ये दोनों चीजों को, बेसिक चीजों को आप याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको उसका बेस या आधार या जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। साधारण ब्याज डिफरेंट है, चक्रवृद्धि ब्याज टोटली डिफरेंट है। चलिए, पहला प्रश्न है हमारे पास, 18,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास गिवन डेटा क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास मूलधन जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 18,000 रुपए। इसके अलावा हम देखें तो रेट हमारे पास दिया है 10% ईयरली। नेक्स्ट आपको दिया गया है, इसके में टाइम भी दे दिया गया है, 3 वर्ष का समय। तो जैसे मैंने बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले आप क्या कीजिए, मिश्रधन को निकाल दीजिए। मिश्रधन से, फॉर्मूले से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो मिश्रधन बराबर क्या होगा आपके पास, p 1 प्लस r by 100 पावर में क्या हो जाएगा n। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला ये हो गया। अमाउंट बराबर p की वैल्यू रखेंगे हम 18,000 1 प्लस r की वैल्यू कितनी हो गई 10 अपॉन 100, टाइम कितना दिया हुआ है 3, जिसको n की जगह में आप रख दीजिए। ठीक है, तो 18,000 इंटू यहां पर कितना, ये 0,0 कैंसिल कर लो, एलसीएम कितना हो जाएगा 11/10, इसका हो जाएगा क्यूब। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 18,000 इंटू 11/10। क्लियर है? तो जब इतना बड़ा इक्वेशन, इतना बड़ा जब नंबर आता है तो आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि 18,000 को आपको यहां पर इसमें मल्टीप्लाई करना है ट्रिपल 11 में, यानी कि 11, 11, 11। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो कोशिश करें कि आप जो है 1 से 20 तक का एटलीस्ट घन याद कर लें। 1 से 20 तक का घन याद करने का फायदा यह है कि आपको यहां पर दिख रहा क्या 11 का घन, और 11 का घन को हम यहां पर लिख लेंगे। 11 का घन कितना होता है आपके पास, 18 × 1331। ठीक है, अब आपको बस इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा आपको, 18 × 18, 1 × 18 = 54, 1 × 55, 5 × 18 = 55, 54, 5 कितना हो जाएगा 59, 5 और 18 × 5 = 23958 रुपीस। डन, तो ये मिल गया आपको क्या, मिश्रधन। अगला काम क्या बचा है आपके पास, आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे कि आपको पता है, मिश्रधन में अगर मूलधन को आप घटा देंगे तो आपको ब्याज मिल जाएगा। अब आपको सीआई का फॉर्मूला नहीं लगाना है, केवल केवल मिश्रधन में आप मूलधन को हटा दीजिए। ठीक है,
तो हमारे पास मिसेस सम कितना है 23958 है, हम माइनस कर देते हैं 18000 को और हमारे पास जो राशि मिलेगी वह मिल जाएगी 5958 रुपीस। यह हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है? ठीक, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला। तरीका मैंने बताया, पहले आप मिश्रधन निकालिए और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। अगला एक और क्वेश्चन, 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 रुपए का 24 माह बाद कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब लाइन समझिए कि आपको पूछा क्या गया है। गिवन डेटा तो हम समझ जाएंगे, बट पूछा क्या है इस चीज को समझिए। बोलता 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 रुपए 24 माह बाद कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा, बन जाती है राशि, इतनी बढ़ जाती है, इतनी गुना हो जाती है। ऐसा कभी भी टर्म यूज करता है तो आप समझ जाइए मिश्र धन के बारे में, अमाउंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक, तो चलिए गिवन डेटा हम देख लेते हैं। तो गिवन डेटा हमारे पास आर कितना है 5%, टाइम की बात करें तो आपको 24 माह दिया गया है और 24 माह को आप सबसे पहले इसको साल में बदल लीजिए। तो साल में बदलेंगे कितना हो जाएगा, ये 2 साल हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें यहां पर मूलधन की, तो मूलधन हमारे पास कितना रुपए है, 4000 रुपए मूलधन होंगे। क्लियर है इतनी चीजें। नेक्स्ट आपके पास यहां पर देखना है, आपको पूछा क्या है मिश्रधन, और मिश्रधन का फॉर्मूला हमको पता है कि 1+R/100 पावर में एन होता है। अब जो जो डेटा आपको पता है उसे रख लीजिए। यहां पर मूलधन कितना होगा आपके पास, 4000 रुपए। ठीक, 1+R की वैल्यू कितनी है, 5/100, और कितने बार लेना है आपको, 2 साल के लिए, तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, तो 4000 इंटू, देखिए यहां पर ये 5/100 लिखा है, इसको अंदर ही आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, भिन्न को आप यहीं पर सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/20, और यहां कितना मिल जाएगा आपको 21/20 का स्क्वायर। 21/20 का स्क्वायर मतलब 2 बार हम इसे लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या होगा, ये 0 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, ये 2 2 4 बार में इसे काट देगा, यहां पर बचेगा 10 और 21 का स्क्वायर। क्योंकि देखिए आप अगर 1 से 30 तक का वर्ग आपको याद है तो 21 का वर्ग आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, आपको गुणा नहीं करना पड़ेगा। तो 21 का वर्ग होता है 441 और 1 0 और लगा देंगे, कितना हो जाएगा मिश्रधन हमारे पास, 4410। ये मिल गया आपको मिश्र धन। क्लियर है? तो आपको क्या पूछा था, मिश्रधन, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 4410 रुपए हो जाएगा। अगला पॉइंट ये कि अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछ लेता बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज आप बोलते सर ये हो जाएगा a-p, और हमारे पास कितना था, अमाउंट कितना बन गया, 4410 रुपए बन गया है, और इसमें हम घटा देंगे किसको, 4000 रुपए को, और हमें मिल जाएगा 410 रुपए क्या, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। समझ में आया? तो यहां पर हमने मिश्रधन भी निकाल लिया और चक्रवृद्धि ब्याज भी हमने निकाल लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन की अगर बात करूं तो आप इसमें वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि यह जो प्रश्न है व्यापम के प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें, अन्य जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम हुआ उसमें 2-3 बार यह पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने कहा वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि आगे चलकर ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या बोलता है, किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 180 रुपए दिया है, तो बताइए मूलधन क्या होगा। देखिए इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं जिसको बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आया तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे और मूलधन का वैल्यू हम निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का यदि अंतर दिया है, तो सीआई और एसआई का अगर यदि अंतर दिया है तो आप बोलेंगे इसका फॉर्मूला PR/100 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है आपका फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। किस केस के लिए, जब 2 साल का अंतर दिया हो। ठीक है, चलिए अब सीआई और एसआई के अंतर की अगर बात करें तो वह अंतर दिया है कितना, हमें 180 रुपए दिया गया है। इसके अलावा P की बात करें तो P को हमें निकालना है, R हमें क्या है दिया हुआ है, तो ये लिख लिया हमने 12/100 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए P की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो P की वैल्यू क्या होगी, 180
इंटू 100/12, क्योंकि वर्ग लगा था इसलिए 100/12 दो बार लिख लेते हैं। इसे सॉल्व करते हैं, 12 15 बार में कट गया, 3 5 बार में कट जाएगा, 3 4 बार में कटेगा, 4 25, और फाइनल आपको मूलधन मूलधन प्राप्त होगा 25 5 125 और 1 0, 12,500 रुपए। यह आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, मूलधन प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? फिर से बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको रट्टा मार लेना है, इसी फॉर्मूले पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है कभी भी जब आपको 2 साल का अंतर दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 रुपए की धनराशि 6 वर्षों में डबल हो जाती है तो 24 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी। ठीक, चलिए देखिए, आपके पास पहले लाइन के अकॉर्डिंग बोलता है 500 रुपए की राशि, 500 रुपए की राशि यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया गया है, साथ ही साथ आपको टाइम दिया गया है, और एक जो वर्ड है, एक जो लाइन है उसको आपको समझना है, वह क्या है, दुगनी हो जाती है। दुगनी यानी मूलधन का डबल, और मूलधन का डबल मतलब कि वो क्या बन जा रहा है, मिश्रधन बन जा रहा है। तो हम अमाउंट का ही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ए बराबर हमें पता है क्या, P1+R/100n। अब जो जो वैल्यू आपको पता है उसे रख लेते हैं, जैसे कि हमें पता है कि यहां पर क्या है, हमारे पास मूलधन 500 रुपए है, मूलधन 500 रुपए है। ठीक है, इसके अलावा रेट कितना दिया है हमारे पास, ब्याज की दर हमें नहीं पता है, वही निकालना है R/100, साथ ही साथ टाइम कितना दिया गया है, 6 साल। 6 साल में 500 रुपए की राशि जो है डबल होकर क्या बनती है, मिश्र धन बन जाती है। तो क्या करेंगे, 500 × 2 कर लेंगे। क्लियर है? ठीक, अब ये 500 500 500 क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, आपके पास केवल बचेगा 2, और यहां पर क्या बचेगा, 1+R/100 power 6। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए क्योंकि हम इसका यूज करने वाले हैं। यहां तक चीजें समझ में आई, अभी हमने पहले लाइन के अकॉर्डिंग इतनी चीजों को लिख लिया। अगला क्वेश्चन करता है कि 24 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी, मतलब पूछ क्या रहा है, फिर से आपको मिश्रधन ही जानना चाह रहा है, मिश्रधन 24 वर्ष के हिसाब से, 24 वर्ष के हिसाब से मिश्रधन क्या होगा, 1+R/100 power n। अब जो जो पता है डेटा उसे रख लेते हैं, तो ए बराबर हम जानते हैं कितना हो जाएगा, पी कितना है हमारे पास, 500 है। ठीक है, 1+R की वैल्यू नहीं पता, और यह बात कर रहा है कितने साल में, 24 साल में बात कर रहा है, 24 साल। अब ध्यान से देखिएगा जो चीजें मैं बताने वाला, अगर मैं इक्वेशन 1 को देखूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, समीकरण 1 के द्वारा अगर मैं देखूं, तो यहां पर देखिए आप, ये जो 1+R/6 है उसे मैं यहां पर सेट कर रहा हूं। तो ध्यान से देखो, 500 × 1+R/100 power में अगर मैं 6 लिख दूं और 4 को मैं सेपरेट कर दूं, तो क्या ये गलत है, क्या आपको गलत लग रहा है, इसमें कोई भी चीज गलत नहीं है, क्योंकि मैंने क्या किया, 24 को 2 भागों में तोड़ दिया, क्योंकि 6 × 24 ही होना है, फिर से आपको घात में क्या मिल जाएगा, यहां पर 24 ही मिल जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आप इक्वेशन 1 में देखिए, 1+R/100 power 6 की वैल्यू आपको दी गई है, और वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है। तो हम बस क्या कर देंगे, यहां पर डेटा को रिप्लेस कर देंगे, तो यहां पर रखेंगे हम लोग 500 × 1+R/6 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2, और 2 की पावर कितनी हो जाएगी, अब 4 हो जाएगी, और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 500 × 16 = यहां पर 8,000 रुपए। बस ये हो गया आपका आंसर, मिल गया मिश्रधन। क्लियर है यहां तक? तो ये वाला जो पॉइंट है, इतनी चीजों को समझना है, क्यों हमने इसे ब्रेक किया, क्यों इक्वेशन 1 का हमने यूज किया, इतना पॉइंट को अगर आप समझ जाते हैं, ये क्वेश्चन आसानी से आपसे बन जाएगा। क्लियर है? इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, कहीं पर किसी प्रकार का अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, देखिए इसमें बोलता है कि भाई 20,480 रुपए की यहां पर राशि है, वह 6 1/4% की दर से 2 वर्ष 73 दिन में क्या होगा। ठीक है, 2 वर्ष 73 दिन में उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये चीज पूछा गया। ठीक है,
चलिए यहां पर देखते हैं क्या होता है। अगर हम बात करें पी की वैल्यू, तो पी की वैल्यू कितनी दी है हमें, 20,480 रुपए। कभी भी क्वेश्चन अगर पढ़ें तो आप गिवन डेटा जरूर नोट कर लें, गिवन डेटा नोट करने से आपको बहुत ज्यादा आसानी होती है, ठीक। इसके अलावा रेट 6/4%, इसे हम लोग लिख सकते हैं 25/4% भी लिख सकते हैं, डन। इसके अलावा हमें जो टाइम दिया है, टाइम यह दिया है 2 वर्ष 73 दिन, 2 वर्ष 73 दिन, डन। अब 2 वर्ष तक तो ठीक था, क्योंकि ये 25/4% जो दिया है ईयरली के हिसाब से, वार्षिक के हिसाब से दिया है, बट ये 73 दिन का हम क्या करेंगे, तो 73 दिन को हमें वर्ष में बदलना होगा, और 73 दिन को वर्ष में बदलने के लिए हम डिवाइड करेंगे किससे, 365 से। और जैसे ही आप 365 से आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा ये 2 वर्ष + 1/5 वर्ष, ठीक है, 1/5 वर्ष। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, यहां पर कैंसल आउट हो जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। क्लियर है यहां तक चीजें, ठीक। तो 1/5 वर्ष यहां पर समय, 2 वर्ष और 1/5 वर्ष। अब समझने वाली बात क्या है उसे आप देखिएगा, जब मैं 25/4% एक साल के लिए बात करूंगा तो आप कंप्लीट 2 वर्ष के लिए 25/4% ले सकते हैं, परंतु 1/5 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 1/5 वर्ष के लिए ब्याज होगा 25/4 × 1/5, ठीक है। आपको जितना भी ईयर दिया होगा उसको आप बस रेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना ही काम करना है, 1/5 जो समय है या वर्ष है उसके हिसाब से आपका रेट यहां पर तय हो जाएगा। चलिए अगर आप अमाउंट अगर हम निकालना चाहें तो अमाउंट किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए यहां पर अमाउंट बराबर हमें पता है P1+R/100 पावर में क्या है n, ठीक है। चलिए P हमारे पास कितना है, 20,480 रुपए, ठीक। 1+R की वैल्यू कंप्लीट ईयर के हिसाब से लेंगे तो कंप्लीट ईयर जो है 25/4, ये कंप्लीट ईयर के लिए × 100। अब ये बताइए 25% वार्षिक है तो वार्षिक यानी कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो हम क्या लिख देंगे यहां पर, 2 लिख देंगे। अब अगला पॉइंट जो है, अगला एक और ब्रैकेट आपको यूज करना है, वैसे ही रेट आप जैसे के जैसे ले रहे थे वैसे लीजिए 25/4, परंतु यहां पर जो बदलाव आने वाला है वो 1/5 के कारण आपका ये वर्ष जो है यहां पर मल्टीप्लाई हो जाता है, 1/5 भाग में ये वर्ष या ब्याज टूट जाता है, क्लियर है। तो 1/5 यहां पर मल्टीप्लाई कर दी × 100, क्लियर है यहां तक चीजें, ठीक। और यहां पर पावर में जो आएगा वो आ जाएगा 1, क्योंकि 1/5 जो करके जो आपने ब्याज बनाया वो कितने बार आया, 1 बार आया, ठीक। क्योंकि देखिए यहां पर जो n ये जो लिखा जाता है ये उसी को शो करता है कि कितने बार ये आपका रेट या दर बना, ठीक है। यहां पर ये 2 बार हुआ और यहां पर ये 1/5 1 बार हुआ, इसलिए वहां पर 1 हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका 20,480, इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपको 25 4 बार में, यहां पर मिल जाएगा आपको 17/16, 17/16 का स्क्वायर × यहां मिल जाएगा आपको 25 4 बार में, ये मिल जाएगा आपको 81/80, क्लियर है यहां तक। अब जब इसे पूरा आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको एक डेटा मिल जाएगा, ठीक है, 23,409 रुपए, क्लियर है। ये क्या मिल गया आपको, निषेधन, निषेधन। आपको जानना क्या है यहां पर, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में मैंने बताया, सीआई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, a-p, और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 23409, और साथ ही साथ p की वैल्यू है हमारे पास 20,480 रुपए। माइनस कर लेते हैं, इसे घटा लेते हैं, तो ये आएगा 9, 10 में 8 गया 2, और 14 में 5 गया 9, और फाइनल आपको मिल जाएगा 2929 रुपए, ठीक है, 2929 रुपीज आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा। ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी ईयर देगा उसे आप रेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल रेट क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा, बस इतने पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 साल में स्वयं का 2.25 गुना हो जाता है, 2.25 गुना हो जाता है, ठीक। 2.25 गुना होने का मतलब, जैसे मैंने बताया, हो जाता है, बन जाता है, ऐसा कुछ वर्डिंग यूज होगा,
तो आप समझ जाइएगा ये अमाउंट या मिश्रधन की बात कर रहा है, ठीक, अमाउंट या मिश्रधन की बात कर रहा है। चलिए, तो आपको पूछता है रेट कितना है। तो अगर हम टाइम देखें तो टाइम हमारे पास कितना दिया गया है, 2 साल का टाइम दे दिया गया है, ठीक है, 2 साल का समय दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो यहां पर हमारे पास क्या है, मूलधन नहीं दिया है, तो मूलधन को हम मान लेते हैं क्या, पी मान लेते हैं, मूलधन पी मान लेते हैं। और मिश्रधन कितना बन जा रहा है हमारे पास, मिश्रधन या अमाउंट कितना बन रहा है, मूलधन का जस्ट 2.25 गुना। तो आप क्या लिखेंगे, 2.25 पी लिख देंगे, डन, ठीक। अब फॉर्मूला हम रख लेते हैं, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें पता है कि ए बराबर होता है पी वन प्लस आर बाई 100 पावर में क्या हो जाएगा, यहां पर एन आ जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास है 2.25 पी बराबर, यहां पर मूलधन पी रहेगा, 1 प्लस आर, आर की वैल्यू हमें निकालनी है, और एन के जगह हम रख देंगे 2 साल, ठीक है, 2 साल, क्लियर है। 2.25 यहां पर बचेगा आपके पास, क्योंकि पीपी कैंसिल हो जाएगा, 2.25 बराबर 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए स्क्वायर, तो इस स्क्वायर को जब यहां ट्रांसफर करेंगे तो 2.25 का एक वर्गमूल हमारे पास प्राप्त हमें हो जाएगा, और यहां ये बचेगा क्या आपके पास, 1 प्लस आर बाई 100, ठीक। ये आपको कितना मिलेगा भाई बताइए, 225 किसका स्क्वायर है, 15 का, तो आप बोलेंगे सर ये कितना होगा, 1.5, क्योंकि यहां पर पॉइंट लगा हुआ है, तो 1.5 ये हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100। आर का वैल्यू आपको मिल जाएगा आर बाई 100 बराबर 0.5, या आर का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 50%, 50% यहां पर हमें क्या मिल जाएगी, ब्याज की दर मिल जाएगी, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन, कहीं पर किसी प्रकार का अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिनेश ने 625 रुपए 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया और उसकी परिपक्वता पर 676 रुपए उसे प्राप्त होते हैं, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर आपको सबसे पहले, जैसे मैंने बार बार बताया, गिवन डेटा पर फोकस कीजिए। आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि कैलकुलेशन, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में आप देख लीजिएगा, आपको कैलकुलेशन में दिक्कत जाएगा, आपको बनाने का तरीका भी पता होगा, बट कैलकुलेशन के कारण आपकी मिस्टेक उसमें कुछ ना कुछ हो जाएगी। तो देखिए यहां पर हमारे पास यहां पर दिया गया है मूलधन, मूलधन कितना रुपए दिया गया है, 625 रुपए। इसके अलावा टाइम की बात करें तो टाइम कितना दिया गया है, 2 साल, 2 वर्ष, और परिपक्वता पर जो राशि बन रही है वही क्या है, अमाउंट है, और अमाउंट कितना मिल रहा है हमें, 676 रुपए, ठीक है। आपको ज्ञात क्या करना है यहां पर, रेट, दर ज्ञात करना है, ठीक। जैसे ही आपको मिश्रधन दिख गया तो मिश्रधन का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो लिखते हैं हम ए बराबर पी 1 प्लस आर बाई 100 स्क्वायर, ठीक है, यहां पे एन छोड़ देते हैं, ठीक। ए का मान रख लेते हैं हमारे पास कितना है, 676 बराबर 625 1 प्लस आर की वैल्यू हमें नहीं पता, उसी को निकालना है, और एन की वैल्यू रख लेंगे हम 2, ठीक। इसे यहां ट्रांसफर करते हैं तो 676 बटा क्या हो जाएगा भाई, 625 हो जाएगा, 1 प्लस आर बाई 100, और ये हो गया स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए 676 और 625 को, ये क्या किसी के वर्ग नजर आते हैं, तो आप बोलेंगे सर ये 26 का स्क्वायर है और ये 25 का स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे 26 बटा 25 का वर्ग बराबर 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल, और आपको सैंपल एक वैल्यू मिलेगी 26 बटा 25 बराबर 1 प्लस आर बाई 100, क्लियर है। चलिए आर की वैल्यू को निकालते हैं, तो 1 प्लस आर बाई 100 बराबर हमारे पास है 26 बटा 25, और आर बाई 100 बराबर हो जाएगा हमारे पास 26 बटा 25 माइनस 1, ठीक है। आर बराबर 1/25 × 100, और रेट आपको मिलेगा, दर, ब्याज की दर 4%, क्लियर है, ठीक। केवल और केवल मिश्रधन की कहानी में ही आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन जो चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित है वो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। सिंपल हम मिश्रधन के फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं और रेट निकाल रहे हैं। ये प्रश्न भी जो है आपको एक दो बार जो है
व्यापम में पूछा जा चुका है। ठीक है, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ध्यान से कोशिश करें कि क्वेश्चन जब आप एक बार देख रहे हैं तो थोड़े देर के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए। वीडियो पॉज करने के बाद आप क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें। जब खुद से सॉल्व हो जाए या ना हो, दोनों स्थिति में उसके बाद आप क्या कीजिए, बस सॉल्यूशन देख लीजिए। अगर आप किसी प्रकार की गलती हो कर रहे होंगे तो वो यहां से आपको समझ में आ जाएंगी, और उसके बाद अगर आपका आंसर सही है तो आप आंसर मैच भी कर लीजिए। ठीक है, तो यही ऐसे ही करके आपकी तैयारी बेटर होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, तीन वर्ष पर आधारित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर है। इसके पहले मैंने आपको दो वर्ष पर आधारित करवाया था और अब जो है तीन वर्ष पर आधारित दिया हुआ है। यहां पर बोलता है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीन वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 15.5 रुपए है। तो बताइए धन क्या होगा, वह धन के बारे में बताना है, मूलधन के बारे में बताना है। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि दो वर्ष के लिए अगर आपको सीआई और एसआई का अंतर दिया जाएगा तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PR/100 का स्क्वायर। ये मैंने बताया था 2 साल के लिए, बट जब आपको 3 वर्ष के लिए दिया हो उसके लिए फॉर्मूला आपका अलग हो जाता है। तो 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का फॉर्मूला रहता है, वह है PR/100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 300+R/100। क्लियर है क्या? ठीक, थोड़ा सा बस बदलाव, ये तो आपका 2 साल के जैसा ही है, बट ये जो है 300+R/100 इसको बस आपको याद रखना है 3 साल के लिए। इतनी चीजें क्लियर हो रही है सभी को? ठीक, चलिए अब जो जो गिवन डेटा है उसे रख लेते हैं। हमें दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 साल का, कितना दिया है, 15.5 दिया है। अगला पॉइंट आपको देखेंगे, यहां पर देखिए भाई पी की वैल्यू आपको निकालनी है तो पी हमें नहीं पता है। इसके अलावा आर का मान कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर आर का मान दिया है 10, तो 10/100 लिख लिया यहां पर स्क्वायर। इसके बाद 300+R फिर करना है तो 300+ क्या होगा, 10/100। क्लियर है यहां तक चीजें? ठीक, 15.5 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 155/10 बराबर ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये मिल जाएगा आपको 1/100, क्योंकि यहां पर क्या होगा 1/10 का स्क्वायर 1/100, और यहां मिल जाएगा आपको 310/100। ठीक है, इस 0 को भी आप कैंसिल आउट कर लीजिए। अब फाइनल पी की वैल्यू की अगर बात करें तो पी का वैल्यू कितना होगा, 155/10 × 100/10। ये पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, पलट जाएगा, तो 100/1 ये हुआ और 10/31 यहां पर डन। ये 0 को भी कैंसिल आप कर लीजिए। ठीक, 31 जो है 5 बार में से काट देगा और आपको फाइनल जो मूलधन मिलेगा, मूलधन जो हमें प्राप्त होगा वह मूलधन प्राप्त होगा 500 रुपए। क्लियर है? तो ये 2 साल के लिए और 3 साल के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर का जो फॉर्मूला है, बिल्कुल आप इसे रट्टा मार लीजिए। बार बार मैं बोल रहा हूं कि ये फॉर्मूला जो है आपको एग्जाम में फिर से इस पर आधारित क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है यहां तक चीजें? अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2400 रुपए और 4 वर्ष में 2520 रुपए हो जाती है। क्वेश्चन को फिर से मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से बारीकी से पढ़िए। जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि 3 साल में 2400 रुपए बन जाता है बोल रहा है, और 4 साल में 2520 रुपए राशि बन जाती है। यानी कि यहां पर हमें मूलधन कहीं पर नहीं दिया है, मूलधन नहीं दिया है। ये दोनों जो राशियां आपको दिख रही 2400 और 2520 रुपए, दोनों की दोनों राशियां क्या है, मिश्र धन है। यही चीज समझना है, मिश्र धन दिया हुआ है। ठीक, तो देखते हैं यहां पर, यदि अगर हमारे पास समय दिया गया है 3 साल, यहां पर क्या दिया है हमें, एक समय दिया गया है 3 साल, T1 हमें दिया गया है 3 साल, और T1 के लिए 3 साल के लिए हमारा जो मिश्र धन बन रहा है A1, वह कितना बन रहा है, 2400 रुपए बन रहा है। क्लियर है इतना पॉइंट, A1 कितना बना, 2400 रुपए। इसके अलावा T2 की अगर बात करें, दूसरा जो समय दिया गया है 4 वर्ष दिया गया है, 4 वर्ष,
और इस चार वर्ष की बात करें तो हमारा जो मिसधन बन रहा है, मिसधन बन रहा है वह कितना बन रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये बन रहा है 2520 रुपए, 2520 रुपए। तो दो आपको मिसधन दिए गए हैं, दो आपको समय दिए गए, आपको दर पूछ रहे। याद रखिएगा कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन जब आपके सामने आए तब आपको करना क्या है, जो तरीका बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान रखना। ये चक्रवृद्धि ब्याज में भी ऐसा ही प्रश्न दिखता है और साधारण ब्याज में भी आपको ऐसा ही प्रश्न नजर आएगा, बट बनाने का तरीका दोनों ही डिफरेंट है, दोनों ही डिफरेंट है। देखिए यदि मैं A2 को या A1 से जब मैं भाग दे देता हूं, मिसधन दूसरा जो मिसधन था पहले मिसधन से यहां पर भाग दे दे, तो भाग देने पर क्या होगा? जैसे हमें पता है A2 के लिए जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, P1+R/100। और जैसे हमें पता है A2 के लिए समय क्या था, 4 साल, तो हम क्या लिख देंगे यहां पर, 4 साल लिख देंगे। क्योंकि हम दोनों मिसधन को भाग दे रहे हैं इसलिए बटा का निशान लगाएंगे और यहां पर इसे डिवाइड करेंगे। तो यहां पर A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1+R/100, क्योंकि ये A1 जो है आपका कितने साल के लिए है, तो आप बोलेंगे सर ये 3 साल के लिए है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। तो A2 की वैल्यू कितनी है, देखिए यहां पर 2520 रुपए, और साथ ही साथ A1 की वैल्यू कितनी है, 2400 रुपए दी गई है। यहां पर देखिए पीपी क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। और अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने वाला पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, यहां पर लगाना है हमें घात का नियम, घात का नियम। घात के नियम अनुसार अगर दो बेस या दो आधार सेम हो तो उनके घात जब डिवाइड होते हैं तो क्या हो जाते हैं, घात माइनस हो जाते हैं। अगर घात माइनस हो रहा है तो घात माइनस हो रहा है तो हम कैसे लिखेंगे यहां पर, 1+R/100, और ये क्या होगा, 4-3 1 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक चीजें, इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा 252/240 बराबर यहां पर आपको मिल जाएगा 1+R/100। ठीक, तो R/100 आपको मिलेगा, 1 को ट्रांसफर करते हैं, 252/240-1। ठीक है, आगे इसे बढ़ाते हैं कितना होगा ये, R/100 बराबर 252-240/240। क्लियर है, R/100 बराबर कितना होगा भाई, 252-240 ये हो जाएगा 12/240। और फाइनल आपको R की वैल्यू मिलेगी 12/240/100। क्लियर, इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आपको मिलेगा फाइनल 5% दर। ठीक है, 12 से इसे काट लीजिएगा, 12 दो बार में 20 बार में कट जाएगा और 20 इसे 5 बार में काट दे। ठीक है, तो 5% क्या मिल जाएगा, ब्याज की दर आपको मिल जाएगी। समझ में आया? तो याद रखिएगा कभी भी आपको दो मिसधन दिया हो, ये साधारण ब्याज का प्रश्न नहीं है, साधारण ब्याज में इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का तरीका अलग है, चक्रवृद्धि ब्याज में आपको भाग देकर ही बनाना पड़ेगा यदि अगर आपके पास दो मिसधन दिए गए हो। साधारण ब्याज में भी ऐसा ही प्रश्न हमने बनाया था बट उसका बनाने का तरीका अलग था, यहां पर आपको मिसधन को भाग देकर बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक और प्रश्न एग्जाम में बिल्कुल कुछ समय बाद एक एग्जाम में फिर से पूछ लिया गया था। देखते हैं उस प्रश्न को, देखिए कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600 रुपए हो गया और 4 वर्ष में 5184 रुपए हो गया। बिल्कुल ये अगले एग्जाम में ऐसा ही एक व्यापम के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था। और देखिए अगर उस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को मैच करेंगे आपको ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिख रहा होगा, बनाने का तरीका सेम है, डेटा बस अलग अलग है। ठीक है, 2 साल में 3600, 4 साल में 5184 रुपए। यदि आप क्वेश्चन देख लें तो बड़ा फटाक से बनाने का प्रयास कीजिए, इधर मैं सॉल्व करता हूं उधर आप सॉल्व कीजिए, दोनों आंसर मैच कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर हमें क्या क्या दिया है, T1 दिया है 2 साल, T1 दिया है 2 साल। इसके अलावा अमाउंट की बात करें, पहला अमाउंट दिया गया है कितना, 3600 रुपए अमाउंट दिया गया, डन। इसके अलावा हम बात करें दूसरा जो समय दिया गया है, दूसरा जो समय दिया गया है वो 4 साल दिया गया है, और हमारे पास जो दूसरा मिसधन है, वह हमारे पास कितना है, 5184 रुपए है। क्लियर, ये दो चीजें आपको दी गई है। तो जैसे मैंने बताया ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आपको मिसधन को क्या करना है, भाग देना है। तो A2 / A1 करेंगे,
पी वन प्लस आर बाई हंड्रेड। ए टू आपका कितने साल के लिए है, तो आप बोलेंगे सर चार साल के लिए। बटा पी ये कितने साल के लिए, ए वन दो साल के लिए, तो वन प्लस आर बाई हंड्रेड कितने साल के लिए, दो साल के लिए, तो यहां पे लिख देते हैं दो। ए टू की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5184 रुपए है, ठीक। साथ ही साथ ए वन की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3600। यहां पर देखिए पीपी कैंसल हो जाएगा, और साथ ही साथ यहां पर फिर से ध्यान दीजिए, ये देखिए 1 प्लस आर बाई हंड्रेड, 1 प्लस आर बाई हंड्रेड, दोनों का बेस फिर से क्या हो गया, समान हो गया। अगर आधार समान होते हैं, आधार समान होते हैं तो घात क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। कब के केस में, जब आप भाग दे रहे हो, तो भाग दे रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहां पर 1 प्लस आर बाई हंड्रेड, और ये हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर कितना मिलेगा आपको, 1 प्लस आर बाई हंड्रेड का स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहां देखिए 5184 किसी नंबर का स्क्वायर है और 3600 किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। तो यदि अगर मैं देखूं 5184 तो 72 का स्क्वायर है और 3600 जो है 60 का वर्ग है, तो यहां पर क्या कर दिया हमने, वर्ग लगा दिया। 72 का वर्ग कितना मिलेगा, 5 × 4 = 8 और यहां पर मिलेगा 60 का वर्ग, ठीक। चलिए ये हुआ आपका 1 प्लस आर का स्क्वायर, क्लियर है इतनी चीजें हमने क्या किया है, वो चीजें समझ में आ रही है आपको। मैंने बोला कि आप भी साथ साथ सॉल्व करते चलिए ताकि आपको भी पता चले कि आपकी गलती कहां पर हो सकती है। ये जो नंबर है 5184 उसका वर्गमूल आपको निकालना चाहिए, तभी आपको ये पता चलेगा कि 72 या 72 कैसे आए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर वर्ग लगाए, यहां पर वर्ग लगाए, क्लियर। अब ये स्क्वायर यहां पर क्या होगा, जब हम दोनों तरफ वर्गमूल निकालेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएंगे, यहां पर कैंसल हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, क्लियर, ठीक। तो आपके पास क्या बचेगा, 72/60 और राइट हैंड साइड में बचेगा 1 प्लस आर बाई हंड्रेड। तो आर का मान आपके लिए मिलेगा, यहां पर आर का मान हम निकाल लेते हैं, तो आर बराबर होगा 72/60 माइनस 1 या 72/60, ठीक है। फाइनल आपको मिलेगा 12/60 और R की वैल्यू आपको मिल जाएगी 12/60 × 100, ये हो जाएगा आपका 20%। 20% सॉल्व कर लेंगे, 12 × 5 = 60, 5 = 20 बार में 100 को काट दें, ठीक है। तो यहां पर मिला आपको ब्याज की दर, ठीक है। फिर से बता देना चाहूं कि जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं इसे आप प्रैक्टिस कीजिए, एक बार दो बार बना के देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो पहली बार भी वीडियो देख रहा है उसके लिए भी, और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए तो और बेस्ट है कि भाई इन प्रश्नों को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो अपन जो पेपर तैयार करता है उसमें आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं वहीं से ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन टू कॉपी भी उठा लेता है, या तो बस कॉन्सेप्ट चेंज, कॉन्सेप्ट वैसा ही रहता है बट डेटा चेंज करके क्वेश्चन तैयार कर देता है, क्लियर है। तो आज हमने देखा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन। अब चक्रवृद्धि ब्याज के बाद फिर हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए और पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।